ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, विशाल बुद्धि बन पूरे विश्व को, दुखधाम से सुखधाम, पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है, अपना टाइम सेफ करना है, व्यर्थ नहीं गवाना है। मीठे बच्चे, विशाल बुद्धि बनो। विश्व दुखी है, अशांत है, परेशान है, उन्हें सुखी बनाओ। इस दुखधाम को सुखधाम बनाने की सेवा करो। अभी बच्चों को लगेगा कि दूसरों के दुख में हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए हम क्या करें। दूसरों के दुख के कार्मिक अकाउंट में तुम तो नहीं जा सकते, पर वह दुख सहन करने की ताकत समझ सकाश से, ज्ञान से, अपने कर्मों से, दृष्टि वृत्ति से, संकल्प से उन्हें दे सकते हो। वो दुखी है, परेशान है, हाँ माना कि उन्होंने गलती की, पाप कर्म किए, उसका फल वो भुगत रहे हैं, पर बाबा कहते हैं अभी मेरी आज्ञा है कि तुम उन्हें सहयोग दो दुखों से छूटने के लिए, कर्मों से विकर्मों से बाहर आने के लिए उन्हें सहयोग दो। उन्हें समझो, वो भी तो तुम्हारे भाई हैं, वो भी तो परिवार का हिस्सा है, दुखी है, भल उनके गलत कर्मों के कारण दुखी है, किसी ने उन्हें दुखी नहीं किया है, पर सहयोग तो दे सकते हैं। एक परिवार में सारे बच्चे समान तो नहीं होते, एक परिवार में समझ की बात है बच्चों के लिए, तो अगर सारे बच्चे समान नहीं हैं और जैसे भी बच्चे हैं परिवार के मुख्य सदस्यों का काम होता है, जो लायक नहीं है परिवार के सदस्य उन्हें सहयोग देना, लायक बनाना, मदद करना, आगे बढ़ाना, यह उनका काम होता है, यह उनकी सेवा होती है। तो सारा विश्व दुखी है, सिर्फ मनुष्य आत्मा की बात नहीं है, मनुष्य भी दुखी है, जीव भी दुखी है, प्रकृति भी दुखी है, सूक्ष्म शक्तियाँ भी दुखी है, सुखी कोई नहीं है। यहाँ पर एक दूसरे को पकड़कर, एक दूसरे में प्रवेश कर सुख भोगने की कोशिश कर रहे हैं सभी जीव। प्रकृति के ऊपर हावी हो रहे हैं, प्रकृति जीवों के ऊपर हावी हो रही है। मनुष्य शक्तियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, शक्तियां मनुष्यों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यही खेल चल रहा है। किसी को कोई समझ नहीं है कि हम करें क्या। तुम बच्चे समझदार हो, तुम सबको समझ दो कि उन्हें करना क्या है, क्योंकि सब भटक रहे हैं अपने दुखों में, अपनी परेशानी में। किसी की अन्न की चाहना है, कोई भटकने वाली आत्मा, वो किसी और में प्रवेश कर अपनी अन्न की इच्छा चाहना पूरी कर रहे। किसी की वस्त्र की चाहना है, वो किसी और में प्रवेश कर अपने वस्त्र की चाहना पूरी कर रहे। किसी को दूसरों को दुख देने में आनंद आता है, वो मनुष्य आत्मा उसे परवश कर मनुष्य शरीर में प्रवेश कर उसके द्वारा
दुख दे रहा है, जो भी सूक्ष्म शक्ति है उन्हें उसमें आनंद आ रहा है और गुनाहगार बन रहा है वो मनुष्य आत्मा। किसी को कुछ भी पता नहीं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। बच्चे तुम समझदार हो, तुम सबको सकाश दो, शुभ भावना शुभ कामना दो और सबको जगाओ, सही रास्ते पर लाओ। बेचारे भटक रहे, शांति मांग रहे, सुख मांग रहे, उन्हें सही रास्ते पर लाओ। इसी सेवा अर्थ बाप ने तुम्हें चुना है, सबको सही रास्ते पर लाने की सेवा अर्थ। तुम्हें सुख मिले, तुम सुखी रहो, इसके लिए बाप ने तुम्हें नहीं चुना है। बाप ने तुम्हें चुना है दूसरों को सुख देने के लिए, तुम्हारे खुद के सुख के लिए नहीं चुना है। इसलिए खुद का रोना धोना बाजू में रखो और सेवा करो, सेवा पर अटेंशन दो, खुद की तकलीफें बाजू में रखो। तुम्हें जो तकलीफें हैं वो 0.1 की 0.1 भी नहीं है, ध्यान में रखना। और अगर वो तुम्हें ज़्यादा लग रही हो तो 100% दिखाने के लिए तैयार हूँ तकलीफ़ क्या होती है, ध्यान में रखना। अगर तुम्हें तुम्हारी तकलीफ़ ज़्यादा लग रही, सिर दर्द हो रहा है फिर भी सकाश दो, तुम्हें पेट दर्द हो रहा है फिर भी सकाश दो, बदन दर्द है फिर भी सकाश दो, थके हुए हो फिर भी सकाश दो, भूख लगी है प्यास लगी है नींद आ रही है फिर भी सेवा करो, इसीलिए तुम्हें चुना है। तुम ये मत समझना कि बाप मिला है तो हमारा सिर दर्द पेट दर्द ठीक करेगा और हम मौज करेंगे, इसके लिए तुम्हें नहीं चुना है। तुम्हारे मन की अवस्था क्या है मुझे मत बताओ, बुद्धि संस्कार क्या है मुझे मत सुनाओ, सेवा करो। सेवा अर्थ तुम्हें चुना है। तुम कितने थके हो ये मत बताओ, कितनी भूख लगी है प्यास लगी ये मेरे पास मत लेके आओ, सेवा करो। रात दिन बैठकर सकाश दो, सिर्फ लिख के नहीं लेना नोटबुक में, करना, करके दिखाना। सिर्फ लिखने के लिए मैं पॉइंट्स नहीं सुना रहा हूँ, ध्यान देना, करने के लिए सुना रहा हूँ। और तुम कहोगे हाँ करेंगे, कोशिश कर रहे, निकल जाओ बाहर अभी के अभी। कोशिश नहीं चाहिए बाबा को, परिणाम चाहिए। कोशिश नहीं चलेगी अभी, कोशिश का समय समाप्त हुआ, परिणाम चाहिए। ध्यान देना, दुनिया महान दुख में है, तुम महान सुख में हो। तुम्हारा महान सुख, उसका कुछ अंश दूसरों को देने का प्रयास करना, शुभ भावना शुभ कामना से, सकाश से। वाणी सेवा करने के लिए तो बाप नहीं भेज रहा है, और ना कोई कर्मणा सेवा करनी है, घर में बैठकर मनसा सेवा करनी है, अंतर्मुखी होकर अपनी स्थिति में बैठकर बाप की याद में रहकर मनसा सेवा करनी है। इसी के लिए, इसी सेवा के लिए बाप को बच्चे चाहिए थे, इसी सेवा के लिए। तुम तुम्हारी कहानी मत सुनाओ मुझे, तुम मेरी कहानी सुनो, दुनिया की जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं। तुम्हें दुख होगा, एक परिवार का ना,
मेरे पास सारी दुनिया का दुख है। तुम एक परिवार का तुम्हारे रोना धोना मत सुनाओ। करोड़ों परिवार है, लाखों परिवार है, उनके लिए तुम सहयोग दो। तुम्हारे परिवार में शरीर भी छोड़े मुझे मत सुनाओ। मेरा परिवार सारा विश्व है, रोज कितने शरीर छोड़ रहे, उनकी कहानी तुम सुनो। तुम एक की कहानी मुझे मत सुनाओ। ध्यान दो, सभी मेरे बच्चे हैं और सभी के सभी दुखी है, तुम छोड़ के सिर्फ तुम सुखी हो इस पूरे विश्व में। ध्यान देना, इसलिए विशाल बुद्धि बनो। बुद्धि को बस अपने घर तक सीमित नहीं रखना, ये सारा विश्व हमारा घर है, तो बुद्धि को जरा फैलाओ। घर के हर कोने में क्या चल रहा है जरा नजर घुमाओ, देखो दुनिया में क्या हो रहा है। कभी देखा है अपने से? और अगर देखा है तो कुछ किया है उनके लिए अपने से? बाप ने बिना बताए तुमने कुछ किया है अपने भाइयों के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए कुछ किया है क्या? समझ की बात। इसमें बाबा कहते तुम्हें समझ दी है पूरी पूरी, यह मत बताओ तुम्हारे शरीर की उम्र क्या है। शरीर को भोजन जाता है ना चार टाइम, नींद आती है ना, शरीर के लिए हर व्यवस्था समझ में आती है ना, तो ये बात समझ में नहीं आती सकाश की, मनसा सेवा की? समझ की बात है। बच्चे विशाल बुद्धि बनो। दुनिया दुखी है, उस दुखधाम को सुखधाम बनाने की सेवा करूं, पतित से पावन बनाने की सेवा करूं। सभी पतित होने कारण दुखी हैं, परेशान हैं, उनकी सेवा करूं। बहुत बच्चों को लगता है हमें तो परमात्मा मिला, हमें बाप मिला, हमारे भाग्य खुल गए, जो पाना था सो पा लिया, अभी दूसरों का क्या? तुम्हें जितनी कशिश है, खींच है कि तुम्हारे लौकिक परिवार वाले ज्ञान में आए, माता पिता पति पत्नी बच्चे भाई बहन जो भी है, खींच है ना कि ये जल्द से जल्द बाबा को पाए, वर्षा पाए, ज्ञान में आए? क्या उतनी कशिश दुनिया के लिए है? मोह है ना, दूसरों में अटके हों, वो कशिश दुनिया के लिए नहीं है। दुनिया वालों का जो होना है होने दो, हमें क्या लेना देना है। हाँ, हमारे परिवार के सदस्य ज्ञान में चले, हमारा काम हो गया। ऐसे बाबा कहते तुम मेरे बच्चे हो ना, तो इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो कि बस तुम चार सदस्यों का विचार करो और बाकी दुनिया मरे जिए कोई परवाह नहीं है। तुम मेरे बच्चे हो तो इस विचार वाले नहीं हो सकते, स्वार्थ वाले नहीं हो सकते, और अगर हो तो तुम मेरे बच्चे नहीं हो। ध्यान में रखना, मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं, मेरे बच्चे मेरे जैसे पूरे विश्व का सोचने वाले, एक परिवार का सोचने वाले नहीं, एक परिवार के लिए इमोशनल होने वाले नहीं, पूरे विश्व के लिए ये मेरे बच्चे हैं। समझ की बात है। तुम चेक करना तुम मेरे हो या माया के हो। बाबा ये नहीं कहता कि परिवार को छोड़ो, नहीं, और अच्छे से संभालो, पर विश्व का क्या? समझ की बात।
या एक जन्म है अंतिम जन्म जो तुम उनके साथ पाड़ बजा रहे हो, और पूरे 83 जन्म जिनके साथ पाड़ बजाया, 82 जन्म जिनके साथ पाड़ बजाया, उनका क्या? उन्होंने भी तो तुम्हें बहुत स्नेह दिया होगा, उन्होंने भी तो तुम्हें बहुत सुख दिया होगा, तुम्हें याद है? इनसे भी ज़्यादा दिया होगा, क्योंकि वो इतने भी तमो प्रधानता में नहीं मिले जो अभी का तुम्हारा परिवार है, अति तमो प्रधानता में मिला है, अंतिम है ना। तो उनका क्या, उनके बारे में कभी कुछ सोचा है तुमने, विचार किया है? बस एक परिवार पकड़ के बैठे हो, मेरा 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 करते, एक घर पकड़ के बैठे हो, मेरा 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 करते। ये बच्चे बाप के काम के नहीं हैं जो एक परिवार पकड़ के बैठे हैं। बाबा ये नहीं कहता छोड़ो, नहीं, उनको भी और ज्ञान मिलाओ, उनको भी तुम तुम्हारे जैसा पक्का बनाओ, पर दुनिया का सोचो, दुनिया के कल्याण के बारे में सोचो। तुम हो कि तुम्हारी बुद्धि वहां से हट ही नहीं रही, तुम बस उसी में अटके हो। अभी क्या गाली दे इन बच्चों को, जाने दो, ऐसे बच्चे किसी काम के नहीं है, बाप के भी काम के नहीं है, किसी के, उनके खुद के भी काम के नहीं है, जिन्हें समझ नहीं है संगम युग की, स्वयं की, कि मैं आत्मा हूं, बाप की, इस ड्रामा की। ये बच्चे किसी काम के नहीं, जिन्हें समझ नहीं है। बच्चे विशाल बुद्धि बनो, सबके बारे में सोचो, पूरे विश्व को दुखधाम से सुखधाम, पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है, अपना टाइम सेफ करना है, व्यर्थ नहीं गवाना है। प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में हेल्दी कौन है और अनहेल्दी कौन है? बच्चे तुम चेक करो, तुम अपना टाइम कहाँ गवाते हो? व्यर्थ में तो नहीं गवाते, झरमुई झगमुई में? तुम मुझे चार्ट देना, कितना समय तुम मोबाइल इस्तेमाल करते हो और कितना समय तुम मुझे याद करते हो, कितना समय तुम लैपटॉप कंप्यूटर यूज करते हो, ये मायावी साधन यूज करते हो सेवा के नाम पर, और कितना समय तुम मुझे याद करते हो, चार्ट देना, तुम चेक करना, तुम्हारे पास ही रखना चार्ट बना के, और तुम चेक करना कि बाप की याद कितनी है, कितना समय तुम लौकिक अलौकिक परिवार में व्यर्थ गवाते हो और कितना समय तुम मुझे याद करते हो, विश्व सेवा करते हो, चार्ट देना। कितना समय तुम खाने पीने में सोने में गवाते हो, संसार की व्यवस्था में गवाते हो, और कितना समय तुम मेरी याद में विश्व सेवा में सफल करते हो, चार्ट देना। समझ की बात है बच्चों के लिए, तुम्हें किस लिए चुना है, समय गवाने के लिए या सेवा करने के लिए? क्या कार्य है तुम्हारा, तुम्हें सुखी किस लिए रखा है, शांत किस लिए रखा है? दुनिया भर की सारी फैसिलिटीज किस लिए दी है? ध्यान है तुम्हें? जाओ दुनिया में देखो कितना दुख है, और तुम अपने को देखो, किस लिए चुना है तुम्हें, समय गवाने के लिए या विश्व सेवा करने के लिए? तुम चेक करो, यहां जो बच्चे बैठे वो भी, और जहां भी बाबा के बच्चे बैठे वो सभी बच्चे चेक करें,
उन्हें किस लिए चुना है? उन्हें इतना सुख शांति में बाप ने, ड्रामा ने किस लिए रखा है? उनकी मौज के लिए या दूसरों का दुख समाप्त करने के लिए? समझ की बात है। प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में हेल्दी कौन है और अनहेल्दी कौन है? उत्तर है, हेल्दी वह है जो विचार सागर मंथन करते जीवन में रमणीकता का अनुभव करते हैं, और अनहेल्दी वह है जिसका विचार सागर मंथन नहीं चलता। जैसे गौ भोजन खाती है तो सारा दिन उगारती रहती है, मुख चलता रहता है, मुख न चले तो समझा जाता है बीमार है। यह भी ऐसे है। बच्चे सेवा करते हो दिन भर में या नहीं करते हो? विचार चलते हैं सेवा के तुम्हें? एक दूसरे को याद दिलाते हो, चलो जरा सकाश देते हैं विश्व को? तुम्हें पता है न्यूज़ कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, कितने बच्चे परेशान हैं, दुखी हैं? और अगर पता है तो कभी शांत बैठकर वह सकाश दी है? तुम बड़ी घटना होती है तो देते हो, और छोटी छोटी घटनाएं हो रही उनका क्या? वहां बच्चों को कौन देगा सकाश? वहां कौन धीरज देगा बच्चों को? मुझे देना होता तो मैं कब का देता और मैं पहुंचा देता यहां पर मेरा पार्ट नहीं है, पार्ट बच्चों का है। बच्चों को करना है यह कर्तव्य। जैसे आदि में गली गली में जाकर, गांव गांव में जाकर ज्ञान देना बाबा का पार्ट नहीं है, वैसे अंत में सकाश देना भी बाबा का पार्ट नहीं है, बच्चों का पार्ट है। समझ की बात है। बच्चे ध्यान दो, कितना समय सारे दिन भर में तुम सकाश देते हो, चेक करो, या बस अपनी ही झरमुई झगमुई में अटके हो, व्यवस्था में अटके हो, चेक करो। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चे बेहद के बाप पास आते ही है रिफ्रेश होने लिए, क्योंकि बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही मिलती है। यह कभी भूलना नहीं चाहिए, यह सदैव याद रहे तो भी बच्चों को अपार खुशी रहे। बाबा ने यह बैज जो बनवाए हैं, इसे चलते फिरते घड़ी घड़ी देखते रहो। ओहो, भगवान की श्रीमत से हम यह बन रहे हैं, इस बैज को देख बाबा बाबा करते रहो तो सदैव स्मृति रहेगी। हम बाप द्वारा यह यानी लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना? मीठे बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहे। बाबा को तो वह बच्चे चाहिए जो सर्विस बिगर रह न सके। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है, अर्थात पतित दुनिया को पावन बनाना है। बाबा को ऐसे बच्चे चाहिए जो सर्विस बिगर रह न सके, जिन्हें टाइम पास करना है, अपनी झरमुई झगमुई है, अपना परिवार, अपना खान पान, अपनी व्यवस्था है, ये मुझे नहीं चाहिए। सर्विस करने वाले बच्चे चाहिए दिन भर, या जो सर्विस कर रहे हैं यहाँ पर यज्ञ में, उन्हें कोई सर्विस दे,
उनकी कोई सेवा संभाले ताकि वो अच्छे से सर्विस कर सके, ऐसे बच्चे चाहिए। मना किसी भी रूप से पर सर्विस करने वाले बच्चे चाहिए, जिन्हें आधी रात को भी उठाया, उठने के लिए तैयार, सर्विस के लिए तैयार। नहीं हमसे तो नहीं होगा, कल सुबह करते हैं, ये किसी काम के नहीं है। तुम्हारे घर में बिल्डिंग में भूकंप आया और तुम्हें उठाया कि चलो जरा भूकंप आया उठो, कहोगे हमसे तो नहीं उठा जाएगा, कल सुबह उठेंगे, तब उठोगे ना। अपने शरीर की जान बचानी है इसलिए, उस समय समझ में आता है। भूख लगे तो आधी रात उठोगे ना, प्यास लगे तो आधी रात उठोगे ना, बाथरूम जाना है तो आधी रात उठोगे ना, तो सेवा के लिए नहीं उठ सकते, सेवा के लिए नहीं जग सकते। बाबा को सर्विस वाले बच्चे चाहिए। अभी पुरुषार्थी बच्चे बहुत हुए जिन्हें अपनी स्थिति बनानी है, जिन्हें अपना पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते अभी ये बच्चे मुझे नहीं चाहिए, अभी मुझे सर्विस करने वाले बच्चे चाहिए। जो अपने लिए आते हैं वो यहाँ ना आए, बिल्कुल ना आए। बाबा कहते हैं मुझे भी ज़रूरत नहीं है उनकी। जो सेवा के लिए आना चाहते हैं, सर्विस के लिए आना चाहते हैं, विश्व सेवा, वही आए। अपनी स्थिति बनानी है, अपना दुख दर्द समाप्त करना है, अपने को बाप समान बनाना है, मत आओ। घर में बैठकर बनो तुम, या मत आओ। जरूरत नहीं, बाबा कहते हैं बाप को सर्विस वाले बच्चे चाहिए, जो बैठकर विश्व को अखंड सकाश देते रहे, शुभ कामना शुभ भावना देते रहे, उनकी पालना करते रहे गुण शक्तियों से विश्व के, ऐसे बच्चे चाहिए। यही बच्चे बाबा कहते हैं बाप के काम के। सभी बच्चों ने आदि से लेकर अब तक बेहद की सेवा की, कर्मणा सेवा की, वाचा सेवा की, अब तक कर रहे हैं। पर बाबा कहते हैं परिणाम तो सकाश से ही निकलने वाला है, मनसा सेवा से ही निकलने वाला है। तो मनसा सेवा करने वाले बच्चे बाप को चाहिए, ऐसे बच्चे। उनका संगठन बने जो बैठे और मनसा सेवा करते रहे। एक बारी से कुछ नहीं होगा। तुम एक बार तुम्हें समझाने से समझे हो, बाप ने तुम्हें एक बार समझाया तो तुम समझे हो क्या? नहीं समझे ना। तो उन्हें भी एक बार सकाश देने से वो समझेंगे नहीं, बार बार देना पड़ेगा तब वो समझेंगे, उनके बुद्धि का ताला खुलेगा। एक बारी से कुछ नहीं होगा, ध्यान देना। बाप तो अभी भी तुम्हें समझा रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। उन्हें कितना समझाना पड़ेगा, दूर से, वृत्ति से, सकाश से, शुभ भावना शुभ कामना से, विचार करो कितना समझाना पड़ेगा, तब वो जाग जाएंगे। ऐसे बच्चे चाहिए बाबा कहते हैं, जो सर्विस बिगर रह ना सके, ऐसे बच्चे। बाप को ऐसे बच्चों से प्यार है, बेहद का प्यार, जो सर्विस में दौड़ते रहते हैं विश्व सेवा के लिए, विश्व की आत्माओं के लिए। समझ की बात है बच्चों को। अभी बाबा कहते तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है, इतना समय नहीं है कि तुम देश विदेश घूमो और विश्व पर घेराव डालना, देश विदेश में जाकर। इतना समय, धन, एनर्जी क्यों व्यर्थ गंवानी? इससे अच्छा एक जगह पर बैठो और अपनी
मनसा सेवा का घेराव डालो, शुभ भावना शुभ कामना का घेराव डालो। हर देश में भेजो शुभ भावना शुभ कामना, हर देश में सकाश भेजो, कोने कोने में भेजो। जाग जाएंगे बच्चे, पहुंच जाएंगे, पर तुम्हें करना चाहिए बैठ कर, समझ की बात, बच्चों के लिए ऐसा संगठन बने जो दिन रात यह सेवा करता रहे, परिणाम जल्दी निकलेगा। पतित दुनिया को पावन बनाना है, सारे विश्व को दुखधाम से सुखधाम बनाना है। अच्छे स्टूडेंट्स को देख टीचर को भी पढ़ाने में मज़ा आता है। बाप कहेगा, अभी समझने वाले बच्चे यहाँ ना आए, समझने वाले, जो समझ चुके हैं, जो समझदार बने हैं, वही यहाँ पर आए। जिन्हें समझ देनी पड़ेगी वो बच्चे यहाँ पर ना आए, जिन्हें समझ मिली है वही यहाँ पर आए। क्योंकि जिन्हें समझ मिली है उन्हें बाप बस आज्ञा देगा, श्रीमत देगा, ये करो बैठो और ये करो, वो करेंगे। जिन्हें समझ देनी है वो यहाँ ना आए, वो दूर से मुरली सुने, विचार सागर मंथन करें, समझ ले। यहाँ पर ना समझ ना आए, बेसमझ ना आए, समझदार आए, जो बस बाप की श्रीमत को ले और सेवा में लग जाए, वही बच्चे यहाँ पर आए, बाकी ना आए। बाकियों का यहाँ कोई काम नहीं है। जो अभी भी अपने सवालों में हैं, बाबा आत्मा, बाबा परमात्मा, बाबा ड्रामा, फिर ये चक्र कैसे, तुम घर बैठो और अपने विचार सागर मंथन से ये उत्तर निकालो, और तुम में अगर क्षमता है सूक्ष्मोतन में आओ और बात करो, वह उत्तर देता हूँ। यहाँ मत आओ साकार में, मेरा समय बर्बाद करने के लिए मत आओ यहाँ पर, दूसरों का समय बर्बाद करने के लिए मत आओ। यहाँ अज्ञानियों की भीड़ नहीं चाहिए, मूर्खों की भीड़ नहीं चाहिए। मूर्ख अज्ञानी किसे कहा जाता है? जिसके मन में कोई सवाल है, जो अभी भी समझदार नहीं है, जो समझदार बन रहा है या बनना चाहता है वो मूर्ख और अज्ञानी है, वो किसी काम का नहीं होता। जो समझदार बना है वही काम का होता है, समझ की बात है। जिसे एक बारी समझाने में समझ में आता है वही समझदार है, जिसे समझ में नहीं आता बार बार समझाना पड़ता है वो अज्ञानी है, वो मूर्ख है, परवश है, उसका कोई काम नहीं है यहाँ पर। वो दूसरों को भी बिगाड़ेगा, वो यहाँ बिल्कुल ना है, समझ की बात है। पतित दुनिया को पावन बनाना है, सारे विश्व को दुखधाम से सुखधाम बनाना है। अच्छे स्टूडेंट्स को देख टीचर को भी पढ़ाने में मज़ा आता है। तुम तो अभी स्टूडेंट के साथ साथ बहुत ऊंच टीचर बने हो, जितना अच्छा टीचर उतना बहुतों को आप समान बनाएंगे, कभी थकेंगे नहीं, ईश्वरीय सर्विस में बहुत खुशी रहती है। ईश्वरीय सर्विस में बहुत खुशी रहती है, कोई भी सर्विस हो, झाड़ू लगाना हो, पोछा करना हो, भोजन बनाना हो, ईश्वरीय सर्विस, सकाश देना हो, मुरली पढ़नी हो, ज्ञान देना हो, ईश्वरीय सर्विस, ईश्वरीय सर्विस में बड़ा आनंद होता है। बाबा का गार्डन है, गार्डन में पानी देना हो, कोई भी सर्विस, बड़ी खुशी होती है, बड़ा आनंद होता है।
बस तुम्हें ईश्वरीय सर्विस में ईश्वर याद रहना चाहिए, सर्विस कॉन्शियसनेस नहीं होना, ध्यान में रखना। सर्विस कॉन्शियसनेस हमेशा याद रखना, यह ईश्वरीय सर्विस है। जब ईश्वरीय सर्विस कॉन्शियसनेस हो जाओगे तो ईश्वर बरोबर याद रहेगा, लेकिन सिर्फ सर्विस कॉन्शियसनेस हो जाओगे ईश्वर भूल जाएगा और माया आ जाएगी, फिर झगड़े हो जाएंगे, टकराव आ जाएंगे। मेरी सर्विस, तेरी सर्विस, या मेरी सेवा या तेरी सेवा, या टकराव आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ईश्वर भूल गए। जहाँ ईश्वर भूल गए वहाँ झगड़ा निश्चित है, लड़ाई निश्चित है। जहाँ ईश्वर याद है वहाँ खुशी निश्चित है, मौज निश्चित है, आनंद निश्चित है। बस ईश्वर याद रहना चाहिए, बाबा याद रहना चाहिए। ईश्वर ना भूले, बाबा ना भूले, ध्यान रखना। बाप की मदद मिलती है, यह बड़ा बेहद का व्यापार भी है। व्यापारी लोग ही धनवान बनते हैं, वह इस ज्ञान मार्ग में भी जास्ती उछलते हैं। बाप भी बेहद का व्यापारी है ना, सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास है, परंतु इसमें बड़ा साहस धारण करना पड़ता है। बाप के साथ व्यापार करने में बड़ा साहस धारण करना पड़ता है, समझ की बात है। बाप के साथ व्यापार करना मासी का घर नहीं, हर किसी के बस की बात नहीं है। बाप के साथ, समझ की बात है। कितने भाग्यवान हो कि बाप के साथ व्यापार कर रहे हो ज्ञान रत्नों का। संसारी नहीं कर सकते बाप के साथ व्यापार, उनकी बुद्धि मायावी है, वो नहीं कर सकते, उन्हें बाप समझ में नहीं आएगा, वो अपने संसार में ही व्यस्त रहेंगे। बाप के साथ व्यापार करना बड़ी कलाकारी है, बड़ी कारीगरी है, समझ है। श्रीमत पर चलना मना बाप के साथ व्यापार करना। बाप ने कहा ना ये करो, तुम नहीं कर रहे हो, मना बाप की चीज तुम्हें लेने का मन नहीं, समझ की बात। बाप क्या दे रहा है और तुमसे क्या गंदगी निकाल रहा है तुम्हें भी कल्पना नहीं है, पर तुम हो कि अपनी गंदगी पकड़ के बैठे हो, अपने दुख पकड़ के बैठे हो, अपना कीचड़ पकड़ के बैठे हो, छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, समझ की बात। बाप क्या श्रीमत देगा और क्या निकालेगा तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। तुम बरसों से जो निकालना चाहते हो वो मैं कौन सी श्रीमत से निकालूंगा तुम्हें भी पता नहीं चलेगा, इसलिए श्रीमत पर चलते रहो, बाप के साथ श्रीमत का व्यापार करते रहो। बाप कभी कहेगा बैठो जरा दो मिनट, तुम कहोगे बाबा जरा एक मिनट में आए, छोटा सा काम है, छोटी सी सेवा है। बाबा के हाँ आ जाना, गए काम से। जो प्राप्ति थी, जो चाहते थे जन्मों की प्राप्ति, गई। फिर कितने महीनों के बाद तुम्हारा नंबर लगेगा, कितने दिनों के बाद, और अगर नसीब अच्छा नहीं तो सालों के बाद नंबर रहेगा। वापस बाप कहेगा बस बैठो जरा दो मिनट, सौभाग्य होगा तो बैठोगे, वरना वापस वही बात कहोगे बाबा थोड़ी देर में बात करें। ठीक है, अभी गया परमानेंट नंबर, अभी विनाश के बाद मिलेंगे सूक्ष्म वतन में धर्मराज के रूप में।
गया समय। इसलिए कौन सी श्रीमत तुम्हारे जीवन को बदलेगी तुम नहीं जानते। इसलिए बस इतना ध्यान में रखना, श्रीमत पर चलते रहना, श्रीमत का व्यापार ध्यान से करते रहना, इसमें चूके की चूके। और ध्यान में रखना, जितनी बड़ी प्राप्ति होती है ना, उतनी छोटी श्रीमत होती है। बाबा का कायदा उल्टा है, जितनी बड़ी प्राप्ति उतनी छोटी श्रीमत। तुम्हें लगेगा ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए बाप कोई बहुत बड़ी श्रीमत देगा, गलत फहमी है। बहुत छोटी श्रीमत देगा बाप। अब जरा यहां बैठेंगे और तुम्हें पता भी नहीं होगा कि यहां बैठने से तुम ब्रह्मा बाप समान अवस्था में पहुंचने वाले हो। तुम कहोगे बाबा यहां ठीक है, हाँ ठीक है बैठो। जितनी बड़ी प्राप्ति उतनी छोटी श्रीमत, कायदा उल्टा है बाप का। इसलिए बाप के साथ जो व्यापार कर रहे हो उसमें ध्यान देना, श्रीमत का व्यापार सबसे बड़ा है। समझ की बात, समझदार करेंगे और बनेंगे। यह बड़ा बेहद का व्यापार भी है, व्यापारी लोग ही धनवान बनते हैं, इस ज्ञान मार्ग में भी जास्ती उछलते हैं। बाप भी बेहद का व्यापारी है ना, सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास है, परंतु इसमें बड़ा साहस धारण करना पड़ता है। नए नए बच्चे पुरानों से भी पुरुषार्थ में आगे जा सकते हैं। हर एक की इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत तकदीर है, तो पुरुषार्थ भी हर एक को इंडिविजुअल करना है, अपनी पूरी चेकिंग करनी है। ऐसी चेकिंग करने वाले एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाएंगे, रात दिन पुरुषार्थ में लग जाएंगे, कहेंगे हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, जितना हो सके टाइम सेफ करें। अपने से पक्का प्रण कर देते हैं हम बाप को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। ऐसे बच्चों को फिर मदद भी मिलती है। ऐसे भी नए नए पुरुषार्थी बच्चे तुम देखेंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे। जो बच्चे निश्चय बुद्धि है उन्हें बाप पूरी मदद करता है। संशय बुद्धि भरीड होते रहे, मेहनत करते रहे, निश्चय बुद्धि को बाप एक चुटकी में उठा देता है। स्थिति संशय बुद्धि मेहनत करता रहे, निश्चय बुद्धि डायरेक्ट सेवा में लग जाते हैं, उन्हें बाप संपन्न और संपूर्ण बना देता है, क्योंकि विश्व सेवा करनी। निश्चय बुद्धि उन्हें संपन्न संपूर्ण बना देता है, और संशय बुद्धि मेहनत करते रहते हैं संपन्न और संपूर्ण बनने की। बनो, करो मेहनत, और अंत में बताना तुम तुम्हारी मेहनत से संपन्न और संपूर्ण बन सकते हो क्या, या मेरी चुटकी से बनोगे, अंत में बताना। निश्चय बुद्धि बाबा कहते हैं तुम बने हो, तुम पक्के हो, उसे कहता है तुम ये सेवा करो। संशय बुद्धि तुम 10 मुरली पढ़ो, 20 मुरली पढ़ो, 15 मुरली पढ़ो, तुम ड्रिल करो, अमृत वेले उठो। संशय बुद्धि, संशय बुद्धि मना पुरुषार्थी, निश्चय बुद्धि मना बाप समान विश्व सेवाधारी। डायरेक्ट तुम कौन हो तुम चेक करो। बाप के बच्चे होकर मेहनत करे अच्छा नहीं लगता। मेहनत किस लिए की जा रही है,
निश्चय बुद्धि बनने के लिए, निश्चय बुद्धि बनने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? क्योंकि संशय बुद्धि है, समझ की बात है। बच्चे चेक करो तुम कौन हो, संशय बुद्धि या निश्चय बुद्धि, समझ की बात है। निश्चय बुद्धि से बाप डायरेक्ट सेवा कराता है, करता है। संशय बुद्धि को कहता है सेवा के लिए लायक बनो पुरुषार्थ करके। तुम कौन हो तुम चेक करो, तुम्हें पता चलेगा। ऐसे ना हो जाए तुम्हारी जीवन पूरी जिंदगी इसी में ना चली जाए पुरुषार्थ करने में, और अंत तक बाप के मददगार बनो ही नहीं, ऐसे दुर्भाग्य में नहीं जाना, समझ की बात है। कोई बच्चे हैं, कोई क्यों, बहुत बच्चे हैं जिनका पार्ट है, अंत तक पुरुषार्थी के पुरुषार्थी ही रहेंगे, बाप के मददगार बन ही नहीं पाएंगे, बस मैं और मेरा पुरुषार्थ, मैं और मेरा बाबा नहीं, मैं और मेरा पुरुषार्थ, समझ की बात है। समझदार बच्चे बाप के मददगार बनेंगे, और बेसमझ बच्चे अंत तक पुरुषार्थ करते रहेंगे। घर जाने का टाइम आएगा फिर भी इनका पुरुषार्थ चलता रहेगा, ये दुर्भाग्यशाली बच्चे हैं, कम नसीब वाले बच्चे। जब देखो तुम्हारा पुरुषार्थ, बात तो अच्छी पर विश्व सेवा कब करोगे? क्या जीवन तुम्हारे अपने पुरुषार्थ में ही गंवानी है क्या? इसीलिए तुम्हें बाप ने चुना है क्या कि बस तुम तुम्हारे पुरुषार्थ को करते रहो, तुम तुम्हारी स्थिति देखते रहो, स्थिति अच्छी बनाते रहो, स्थिति अच्छी होगी तो सेवा करेंगे, नहीं होगी तो सो जाएंगे, ऐसे होते हैं क्या विश्व सेवाधारी? विश्व सेवा कौन करेगा, समझ की बात है। गिने चुने बच्चे ही विश्व सेवा के निमित्त बनते हैं, उसके लिए लायक बनते हैं। तुम चेक करो तुम कौन हो, स्वपुरुषार्थी या विश्व सेवाधारी, चेक करना। अपनी पूरी चेकिंग करनी चाहिए, ऐसी चेकिंग करने वाले एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाएंगे, कहेंगे हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, जितना हो सके टाइम सेफ करें। अपने से पक्का प्रण कर देते हैं हम बाप को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। ऐसे बच्चों को फिर मदद भी मिलती है, ऐसे भी नए नए पुरुषार्थी बच्चे तुम देखेंगे साक्षात्कार करते रहेंगे, जैसे शुरू में हुआ वही फिर पिछाड़ी में देखेंगे। जितना नज़दीक होते जाएंगे उतना खुशी में नाचते रहेंगे, उधर खूने नाहक खेल भी चलता रहेगा। तुम बच्चों की ईश्वरीय रेस चल रही है, जितना आगे दौड़ते जाएंगे उतना नई दुनिया के नज़ारे भी नज़दीक आते जाएंगे, खुशी बढ़ती जाएगी। जिनको नज़ारे नज़दीक नहीं दिखाई पड़ते उनको खुशी भी नहीं होगी। अभी तो कलयुगी दुनिया से वैराग्य और सतयुगी नई दुनिया से बहुत प्यार होना चाहिए। शिव बाबा याद रहेगा तो स्वर्ग का वर्षा भी याद रहेगा, स्वर्ग का वर्षा याद रहेगा तो शिव बाबा भी याद रहेगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम स्वर्ग तरफ जा रहे हैं, पाव नरक तरफ है, सिर स्वर्ग तरफ है। अभी तो छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, बाबा को सदैव यह नशा रहता है, ओहो हम जाकर यह बाल यानी मिचनो कृष्ण बनूंगा,
जिसके लिए बच्चियाँ इन एडवांस सौगातें भी भेजती रहती है, जिन्हों को पूरा निश्चय है वही गोपिकाएं सौगातें भेजती है, उन्हें अतीन्द्रिय सुख की भासना आती है। हम ही अमर लोक में देवता बनेंगे, कल्प पहले भी हम ही बने थे, फिर हमने 84 पुनर्जन्म लिए हैं। यह बाजोली याद रहे तो भी अहो सौभाग्य, सदैव अथाह खुशी में रहो। बड़ी लॉटरी मिल रही है, 5000 वर्ष पहले भी हमने राज्य भाग्य पाया था, फिर कल पाएंगे। ड्रामा में नोंद है, जैसे कल्प पहले जन्म लिया था वैसे ही लेंगे, वही हमारे माँ बाप होंगे। जो कृष्ण का बाप था वही फिर बनेगा। ऐसे ऐसे जो सारा दिन विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो वो बहुत रमणीकता में रहेंगे, विचार सागर मंथन नहीं करते तो गोया अनहेल्दी है, गौ भोजन खाती है तो सारा दिन उगारती रहती है, मुख चलता ही रहता है, मुख न चले तो समझा जाता है बीमार है। यह भी ऐसे है, बेहद के बाप और दादा दोनों का मीठे मीठे बच्चों से बहुत लव है, कितना लव से पढ़ाते हैं, काले से गोरा बनाते हैं, तो बच्चों को भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से। बाप कल्प कल्प बहुत प्यार से लवली सर्विस करते हैं, 5 तत्वों सहित सबको पावन बनाते हैं, कितनी बड़ी बेहद की सेवा है। बाप बहुत प्यार से बच्चों को शिक्षा भी देते रहते हैं, क्योंकि बच्चों को सुधारना बाप व टीचर का ही काम है, बाप की है श्रीमत, जिससे ही श्रेष्ठ बनेंगे। जितना प्यार से याद करेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे, यह भी चार्ट में लिखना चाहिए। हम श्रीमत पर चलते हैं व अपनी मत पर चलते हैं, श्रीमत पर चलने से ही तुम एक्यूरेट बनेंगे। जितनी बाप से प्रीत बुद्धि होगी उतनी गुप्त खुशी रहेगी और ऊंच बनेंगे। अपनी दिल से पूछना है, इतनी अपार खुशी हमको है, बाप को इतना प्यार करते हैं। प्यार करना माना ही याद करना है, याद से ही एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। पुरुषार्थ करना होता है और किसी की भी याद न आए, एक शिव बाबा की ही याद हो, स्वदर्शन चक्र फिरता रहे तब प्राण तन से निकले। एक शिव बाबा दूसरा न कोई, यही अंतिम मंत्र है, अथवा वशीकरण मंत्र, रावण पर जीत पाने का मंत्र है। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे इतना समय तुम देह अभिमान में रहे हो, अब देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। दृष्टि का परिवर्तन होना ही निश्चय बुद्धि की निशानी है। सब देह के संबंधों को भूल अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो। आत्मा भाई भाई की दृष्टि हो जाए तब ही ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी भाई बहन की दृष्टि पक्की हो जाएगी। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो, नींद आ गई तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। अमृत वेले उठकर बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करो, बाबा आपने हमको क्या से क्या बना दिया, बाबा कमाल है आपकी, बाबा आप हमें अथाह खजाना देते हो, विश्व का मालिक बनाते हो, बाबा हम आपको कभी भूल नहीं सकते, भोजन खाते काम काज करते बाबा आपको ही याद करेंगे। ऐसे ऐसे प्रतिज्ञा करते करते फिर याद पक्की हो जाएगी। मोस्ट बिलीवेड बाबा नॉलेजफुल भी है, ब्लिसफुल भी है, नंबर 1 पतीत से हमको नंबर 1 पावन बनाते हैं। बस
मीठे मीठे बाबा की याद में गदगद होना चाहिए। बाबा को यह स्मरण कर बहुत अंदर में खुशी होती है। ओहो, मैं ब्रह्मा सो विष्णु बनूंगा, फिर 84 जन्मों बाद ब्रह्मा बनूंगा, फिर बाबा हमको विष्णु बनाएगा, फिर आधा कल्प बाद रावण पतित बनाएगा। कितना वंडरफुल ड्रामा है। यह सुमिरन कर सदैव हर्षित रहता हूँ। शिव बाबा कितना लायक बनाते हैं, वाह तकदीर वाह। ऐसे ऐसे विचार करते एकदम मस्ताना हो जाना चाहिए। वाह, हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाकी हम बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, इसमें ही सिर्फ खुश नहीं होना है। पहले गुप्त सर्विस अपनी यह यानी याद की करते रहो। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, इससे ही तुम्हारा कल्याण होना है। अभ्यास पड़ जाने से फिर घड़ी घड़ी तुम अशरीरी हो जाएंगे। बच्चे, जो बच्चे बाप के मददगार बनते हैं विश्व सेवा के लिए, उनका पुरुषार्थ बाप पूरा करता है। ध्यान में रखना, बाप के मददगार बनने के बाद उनके सारे कर्म बंधन बाप समाप्त करता है, उनके सारे कार्मिक अकाउंट बाप सेटल करता है। इसलिए तो समर्पण का गायन इतना बड़ा है, बलिहार का गायन इतना बड़ा है, बलि चढ़ने का गायन इतना बड़ा है, काशी कलवट खाने का गायन इतना बड़ा है, क्योंकि उनका रिस्पॉन्सिबल बाप है। सब बाप करता है उनका, समझ की बात है, समझदार ही समझेंगे। और इस आशा से समर्पण नहीं करना कि ये सब बाप करेगा, बाप बिल्कुल नहीं करेगा। जो विश्व सेवा के लिए समर्पण करते हैं उनका सब बाप करता है, विश्व सेवा के लिए, समझ की बात है। वरना बाप ने विधि बताई, कल बच्चे आएंगे हमें भी समर्पण करना है। बाबा नस जानता है, बाप तुम्हें पहचानता है, बाप बाप है, ध्यान में रखना। समर्पण स्वीकार करेगा फिर भी तुम पुरुषार्थ ही करते रहोगे। इसका अर्थ स्वार्थ से समर्पण किया। कोई बच्चे होते बेफिक्र होते हर बात में, इसका अर्थ है बाप के लिए और विश्व सेवा के लिए समर्पण किया है उन्होंने, इसलिए तो बेफिक्र है, समझ की बात है, निश्चिंत रहते हैं, कोई चिंता नहीं रहते कुछ बनना है कुछ करना है नहीं, जो बाप कहे, ऐसे बच्चे होते। तुम चेक करना, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, इससे ही तुम्हारा कल्याण होना है। अभ्यास पड़ जाने से फिर घड़ी घड़ी तुम अशरीरी हो जाएंगे। आज बाबा खास इस पर जोर दे रहे हैं, जो यह अभ्यास करेंगे वही कर्मातीत अवस्था को पा सकेंगे और ऊंच पद पाएंगे। इसी अवस्था में बैठे बैठे बाप को याद करते घर चले जाए। दिन प्रतिदिन याद का चार्ट बढ़ाना चाहिए। देखना है तमो प्रधान से सतो प्रधान कितने परसेंट बने हैं, किसको दुख तो नहीं देते हैं, किसी देहधारी में बुद्धि फंसी हुई तो नहीं है, बाप का संदेश कितनों को देते हैं। ऐसा चार्ट रखो तो बहुत उन्नति होती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। दूसरी मुरली है, आज तुम बच्चों को संकल्प विकल्प निरसंकल्प अथवा कर्म अकर्म और विकर्म पर समझाया जाता है।
जब तक तुम यहाँ हो तब तक तुम्हारे संकल्प जरूर चलेंगे। संकल्प धारण किए बिना कोई मनुष्य एक क्षण भी रह नहीं सकता है। अब यह संकल्प यहाँ भी चलेंगे, सतयुग में भी चलेंगे और अज्ञान काल में भी चलते हैं, परंतु ज्ञान में आने से संकल्प संकल्प नहीं, क्योंकि तुम परमात्मा की सेवा अर्थ निमित्त बने हो। तो जो यज्ञ अर्थ संकल्प चलता है वह संकल्प संकल्प नहीं, वह निरसंकल्प है। यही प्रॉफिट है सबसे बड़ा समर्पण का। यज्ञ में चलते बच्चे क्यों बेफिक्र बादशाह रहते हैं, क्यों खुशी में रहते हैं, क्यों सुख शांति में रहते हैं, क्यों मौज में रहते हैं? क्योंकि उनके संकल्प संकल्प नहीं। यज्ञ के बारे में ही सोच रहे हैं ना, विश्व सेवा के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं ना, बाप से ज्ञान चर्चा ही सुन रहे हैं ना, इसके लिए उनके कोई संकल्प नहीं। वो निरसंकल्प अवस्था में दिन भर, यहाँ बैठने वाले सारे बच्चे दिन भर निरसंकल्प अवस्था में हैं। संकल्प ही नहीं उनका, विकल्प तो दूर रहा। समझ की बात है, ये बच्चे अकर्म में चलते हैं इसलिए खुश मौज में हैं। बाप के साथ चल रहे हैं ना, इसलिए अकर्म अवस्था है, सतयुग की अवस्था है। जैसे सतयुग में कर्म अकर्म है, वैसे यहाँ पर कर्म अकर्म है, क्योंकि विश्व सेवा अर्थ इकट्ठा हुए हैं, इसलिए निश्चिंत रहते हैं, बेफिक्र बादशाह रहते हैं, बस मौज में रहते हैं। हर छोटी छोटी बातों में मौज करते हैं बच्चे, क्योंकि बाप के बने। और वही घर में जब बाप के संकल्प चलेंगे, विश्व सेवा के चलेंगे, तब निरसंकल्प होंगे घर में, बाकी सारा झरमुई झगमुई संसार। मुबारक हो। समर्पण का सबसे बड़ा फायदा होता है संकल्प निरसंकल्प हो जाते हैं, सबसे बड़ा फायदा। और तुम खुश मौज में चले जाते हो। समझ की बात है, इसलिए यहाँ बाप के पास मौज है बच्चों के लिए। बाकी जो फालतू संकल्प चलते हैं, अर्थात कलियुगी संसार और कलियुगी मित्र संबंधियों के प्रति चलते हैं, वह विकल्प कहे जाते हैं, जिससे ही विकर्म बनते हैं और विकर्मों से दुख प्राप्त होता है। तुम्हारे दुख का कारण है तुम्हारे मित्र संबंधियों के परिवार के संकल्प, संसार के संकल्प, वो तुम्हारे दुख का कारण है जिससे तुम्हारे विकर्म बनते हैं। उसमें तुम्हें अगर मौज मिलती है, मुबारक हो, मौज करते रहो, संसार संभालते रहो। समझ की बात है, संसारी व्यक्ति पर बाप को बड़ी दया आती है, बड़ा रहम आता है कि इसको किस तरीके से समझाओ कि ये संसार से मुक्त हो जाएगा, ये संसार से निकल जाएगा, बड़ी दया आती है। पर बाबा कहते करे क्या, उसके पास ऐसी बुद्धि है ही नहीं, ईश्वरीय बुद्धि, जिससे मैं कोई समझा नहीं दूं और उसे समझ में आए। उसके पास संसार की बुद्धि बैठी है, कैसे समझेगा? बाबा कहता है ड्रामा, और क्या कहूँ, वैसे सारी दुनिया मेरे बच्चे हैं, सारी दुनिया दुखी है, उसमें तुम एक और दुखी रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, सुखी हुए तो फर्क पड़ेगा, अच्छा लगेगा, श्रीमत पर चलकर सुखी हुए, दुखी रहे तो मैं क्या करूं, श्रीमत पर नहीं चलते तो दुखी रहोगे ही रहोगे। समझ है, जिससे ही विकर्म बनते हैं और विकर्मों से दुख प्राप्त होता है। बाकी जो यज्ञ प्रति अथवा ईश्वरीय सेवा प्रति संकल्प चलता है, वो गोया निरसंकल्प हो गया। शुद्ध संकल्प
सर्विस प्रति भले चले। देखो बाबा यहाँ बैठा है, तुम बच्चों को संभालने अर्थ तो इस सर्विस करने अर्थ माँ बाप का संकल्प जरूर चलता है, परंतु यह संकल्प संकल्प नहीं, इससे विकर्म नहीं बनता है। परंतु यदि किसी का विकारी संबंध प्रति संकल्प चलता है तो उनका विकर्म अवश्य ही बनता है। बाबा तुमको कहता है कि मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो, परंतु अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि से वह मोह की रग नहीं आनी चाहिए। अनासक्त होकर अपनी फर्ज अदाई निभाओ। बच्चे तुम ज्ञान कौन सा ले रहे हो? आत्मा का ना? तो मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप, ये कहाँ से आया? तो ज्ञान कौन सा ले रहे हो? आत्मा का है ना, तो वो आत्मा है ना। मेरा मेरा कहाँ से आया? ये सबसे निचले लेवल के बच्चे हैं जो ज्ञान लेकर भी मेरे मेरे में फंसे हैं। मेरे परिवार वाले, मेरे ये, मेरे वो, इनकी गति क्या होगी? ड्रामा जाने कौन से दुर्गति को पाएंगे। ज्ञान लेकर भी मेरा मेरा, अरे वो आत्मा है, तुम आत्मा हो, वो उसका पार्ट बजा रहे, तुम तुम्हारा पार्ट बजा रहे हो, कर्म संबंध से तुम मिले हो, कुछ कर्म संबंध बचे हैं, लेन देन बची, इसलिए तुम मिले हो, इसलिए फलाने रिश्ते में तुम आए हो। तुम उस आत्मा को मेरा पकड़ के बैठे, कितने परवश हो तुम, तुम्हें कल्पना है? और कहते हो मेरा बाबा, ठीक से कहना मेरा बाबा या मेरा संसार, ये मेरे संबंधी, ठीक से बताना तुम मेरा कौन। समझ की बात है, कहने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करोगे मेरा बाबा, जब समय आएगा तो पता चलेगा मेरा बाबा या कौन। समझ की बात है, बच्चे समझदार बनो, इस बंधन में नहीं अटको, अनासक्त होकर अपनी फर्ज अदाई निभाओ। परंतु जो कोई यहाँ होते हुए कर्म संबंध में होते हुए उनसे मुक्त नहीं हो सकता, तो भी उसे बाप का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। हाथ पकड़ा होगा तो कुछ न कुछ पद प्राप्त कर लेंगे। अब यह तो हरेक अपने को जानते हैं कि मेरे में कौन सा विकार है। अगर किसी में एक भी विकार है तो वह देह अभिमानी जरूर ठहरा, जिसमें विकार नहीं वह ठहरा देही अभिमानी। किसी में कोई भी विकार है तो वह सजाए जरूर खाएंगे, और जो विकारों से रहित हैं वे सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। जैसे देखो कोई कोई बच्चे हैं जिनमें न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, वो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं। अब उन्हों की बहुत ज्ञान विज्ञान में अवस्था है, वह तो तुम सब भी वोट देंगे। अब यह तो जैसे मैं जानता हूँ वैसे तुम सब जानते हो, अच्छे को सब अच्छा वोट देंगे। अब यह निश्चय करना जिनमें कुछ विकार हैं वो सर्विस नहीं कर सकेंगे, जो विकार प्रूफ है वो सर्विस कर औरों को आप समान बना सकेंगे। इसलिए अपने ऊपर बहुत ही संभाल चाहिए, विकारों पर पूर्ण जीत चाहिए, विकल्प पर पूर्ण जीत चाहिए। ईश्वर अर्थ संकल्प को निरसंकल्प रखा जाएगा। वास्तव में निरसंकल्पता उसी को कहा जाता है जो संकल्प चले ही नहीं, दुख सुख से न्यारा हो जाए। वह तो अंत में जब तुम हिसाब किताब चुकतू कर चले जाते हो, वह दुख सुख से न्यारी अवस्था में तब कोई संकल्प नहीं चलता। उस समय कर्म अकर्म दोनों से परे अकर्मी अवस्था में रहते हो। यह तुम्हारा संकल्प जरूर चलेगा, क्योंकि तुम सारी दुनिया को
शुद्ध बनाने अर्थ निमित्त बने हो तो उसके लिए तुम्हारे शुद्ध संकल्प जरूर चलेंगे। सतयुग में शुद्ध संकल्प चलने कारण संकल्प संकल्प नहीं, कर्म करते कर्म बंधन नहीं बनता, उसे अकर्म कहा जाता है। समझा? अब यह कर्म अकर्म और विकर्म की गति तो बाप ही समझाते हैं। विकर्मों से छुड़ाने वाला तो एक बाप ही है जो इस संगम पर तुमको पढ़ा रहे हैं। इसलिए बच्चे अपने ऊपर बहुत ही सावधानी रखो, अपने हिसाब किताब को भी देखते रहो। तुम यहाँ आए हो हिसाब किताब चुकतू करने, ऐसा तो नहीं यहाँ आए हिसाब किताब बनाते जाओ तो सजा खानी पड़े। यह गर्भ जेल की सजा कोई कम नहीं है, इस कारण बहुत ही पुरुषार्थ करना है। यह मंजिल बहुत भारी है, इसलिए सावधानी से चलना चाहिए। विकल्पों के ऊपर जीत पानी है ज़रूर। अब कितने तक तुमने विकल्पों पर जीत पाई है, कितने तक इस निरसंकल्प अर्थात दुख सुख से न्यारी अवस्था में रहते हो, यह तुम अपने को जान सकते हो। जो खुद को न समझ सके वो बाबा से पूछ सकते हैं, क्योंकि तुम तो उनके वारिस हो तो वह बता सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना प्यार प्यार गुम बोले और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। एक नंबर, अमृत वेले उठ बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करनी है, फिर भोजन खाते काम काज करते बाबा की याद में रहना है। देह के संबंधों को भूल आत्मा भाई भाई हूँ यह दृष्टि पक्की करनी है। दो नंबर, विकल्पों पर जीत प्राप्त कर दुख सुख से न्यारी निरसंकल्प अवस्था में रहना है। कायदे सिर सभी विकारों की आहुति दे योग युक्त बनना है। वरदान है श्रेष्ठ संस्कारों के आधार पर भविष्य संसार बनाने वाले धारणा स्वरूप भव। अभी के श्रेष्ठ संस्कारों से ही भविष्य संसार बनेगा। एक राज्य एक धर्म के संस्कार ही भविष्य संसार का फाउंडेशन है। स्वराज्य का धर्म व धारणा है मन वचन कर्म संबंध संपर्क में सब प्रकार की पवित्रता। संकल्प व स्वप्न मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म न हो। जहाँ पवित्रता है वहाँ अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं रहता, उन्हें ही धारणा स्वरूप कहा जाता है। स्लोगन है, दृढ़ता की शक्ति कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। शुक्रिया। ओम शांति।